इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ तो नया होता ही है और इस बार कुछ अलग होने वाला है पवन सिंह, रितेश पांडे और अक्षरा सिंह के बीच में। तो आप हमारा वीडियो पूरा देखे जान पाएंगे क्या है पूरा मामला। जानने के लिए अब वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर के बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को भी जरूर दबाएं जिससे कि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। बता दें कि होली का माहौल चल रहा है इन दिनों। पवन सिंह के दो गाने होली के आ चुके हैं, अक्षरा सिंह के भी गाने आ चुके हैं, रितेश पांडे के भी गाने आ चुके हैं। हमेशा से ऐसा होता है कि रितेश पांडे को छोड़ पवन और अक्षरा के बीच में होड़ लगी रहती है, लेकिन जैसे ही रितेश पांडे का गाना हेलो कौन जबरदस्त हिट होने के बाद, 300 मिलियन क्रॉस करने के बाद, अब उनका कंपटीशन अक्षरा और पवन से भी हो गया। बता दें कि लोगों में यह मचे कि इस साल रितेश पांडे अपने होली को गाने को लेकर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको क्या पता है कि इस साल सबसे ज़्यादा होली के गाने पवन सिंह के ही बज रहे हैं और पवन सिंह इससे काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। और पवन सिंह के होली के 7 गाने 2020 में आने वाले हैं, तो हो सकता है कि पवन सिंह, रितेश पांडे और अक्षरा के बीच में दमदार मुकाबला होगा और वह काफ़ी देखने लायक होगा। बता दें कि अक्षरा सिंह एक इंटरव्यू में यह कहा कि वह बस अपना गाना गाएंगे, उनका किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। तो आप सोच ही सकते हैं कि अगर जब गाना रिलीज़ होता है तो कितनी गहमा गहमी मचेगी। हमें जो भी रिपोर्ट मिलेगी हम आप तक लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें।